हेलो भाई, हो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी काम करने में बिजी होंगे। तो भाई, फिलहाल अभी क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर ऑल सिटीज ऑल विलेजेस, ये कहिए कि जहां जहां स्कैन स्विगी चल रही है, स्विगी के राइटर काम कर रहे हैं या स्विगी अवेलेबल है, वहां स्विगी में जो भाई भी नहीं ज्वाइन कर रहा, हर भाई परेशान है। यानी कि सीधे तरीके से ज्वाइन नहीं हो रही है और हर भाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सर मेरा पेमेंट हो गया है और मेरी आईडी अब तक एक्टिवेट नहीं हुई है। बहुत सारी वीडियो देख ली है, बहुत सारे राइडर से कॉन्टेक्ट कर लिया है, ऑफिस भी चले गए हैं, डीएल से भी मालूम कर लिया, लेकिन कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। मुझे मेरा पास पैसा वापस कर दीजिए। और आपको तो मालूम है कि भाई स्विगी जोमेटो किसी भी डिलीवरी कंपनी में अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया आईडी एक्टिवेशन के लिए, आईडी बनाने के लिए, तो आईडी बने या ना बने आपका पैसा निकलना नामुमकिन है। तो भाई पैसा तो निकलना नामुमकिन है, तो फिर हमें उस पैसे का कैसे यूज हो? मतलब सीधा सा सवाल ये है, पैसा आपने किस लिए दिया है? आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए, यानी कि डिलीवरी कंपनी में काम करने के लिए, यानी कि स्विगी या जोमेटो में ज्वाइन के लिए। तो अगर आपने स्विगी में ज्वाइन कर रहे हैं, आपने पेमेंट कर दिया है और आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, अब जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, पहली प्रॉब्लम अगर ये आ रही है ऑलमोस्ट देयर, तो इसका क्या सोल्यूशन है मैं आगे वीडियो बताऊंगा। या अगर आपकी ये प्रॉब्लम है दूसरे नंबर की कि आपने ऑल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और कोई भी एक डॉक्यूमेंट की डिटेल पेंडिंग में आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आपका एक डिटेल पेंडिंग में, वो कौन सी है? बैंक की डिटेल है। हो सकता है कोई दूसरी डिटेल आपकी पेंडिंग में आ रही हो, यानी कि आपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे प्रॉपर तरीके से अपलोड करे हैं, सब अपलोड हो गए हैं, ग्रीन टिक लग गया, लेकिन एक डॉक्यूमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैंक डिटेल यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है। हो सकता है इस तरीके की कोई एक प्रॉब्लम आपके सामने आ रही हो। तीसरे केसेस में क्या है, हो सकता है कि आपने ऑल डिटेल, यानी कि आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल पूरी तरीके से अपलोड करी है, ग्रीन टिक लग गया है और लास्ट में कंफर्म ना हो रहा हो। हो सकता है इसके अलावा भी और कोई प्रॉब्लम आ रही है आईडी से रिलेटेड, यानी कि डॉक्यूमेंट से, यानी कि आईडी एक्टिवेशन से रिलेटेड, जिसके कारण से आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं हो रही। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑल सारी डिटेल्स डाल दी है, ग्रीन टिक लग गया है और ग्रीन टिक लगने के बाद फाइनल में ये वाला पेज आ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा ज्यादा राइटर के सामने यही प्रॉब्लम आ रही है। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपने हो सकता है वो वीडियो भी देखी हो और आपका कोई सोल्यूशन ना मिला हो। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कम्प्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए भाई, सबसे पहले क्या करना, अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है Almost there, document verification is in process. We will let you know when it is completed. देखिए सिंपल सीधा ये मैसेज कंपनी के एप्लीकेशन में आया है, यानी कि कंपनी की तरफ से आया हुआ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, वो क्या है? वेरिफिकेशन में है, यानी कि चेकिंग में है, अंडर प्रोसेस में। हो सकता है 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे या 1 महीना लगे। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, हम आपकी आईडी को एक्टिवेट कर देंगे या आपको बता देंगे। बस सीधा सिद्धांत यही है इस पेज का, मतलब और कुछ नहीं है। डरने वाली घबराने वाली कोई बात नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हैं मेरा पैसा डूब गया, तो भाई पैसा आपका डूबा नहीं है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, आप या जोन में वैकेंसी ओपन होगी, आपकी आईडी एक्टिवेट कर दी जाएगी। बस इसका एक यही सोल्यूशन है। आगे और क्या दूसरा सोल्यूशन है? दूसरा सोल्यूशन ये है, अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आपको टीएल का नंबर ले लो किसी स्विगी राइटर से, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बताया हूँ, उससे कांटेक्ट करिए और उन्हें बताइए मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम, प्लीज मेरी आईडी जल्द से जल्द एक्टिवेट करा दीजिए। या अगर आप ऑफिस जा सकते हैं तो ऑफिस आप चले जाइए। ठीक है भाई, पहली प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। दूसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि अगर आपने ऑल डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से सभी डॉक्यूमेंट पर ग्रीन टिक लग चुका है, जैसे कि इस वाले डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ, ऑल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका पैन कार्ड, सेल्फी, ड्राइविंग लाइसेंस, स्विगी ट्रेनिंग, इन पे ग्रीन टिक लग गया है और बैंक की डिटेल पे पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या करना, देखिए देखिए भाई सिंपली आपको क्या करना है, अपने फोन की सेटिंग में जाना, और सेटिंग में जाने के बाद नीचे जब आप स्क्रोल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए मैनेज ऐप, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपकी प्रॉब्लम किस में आ रही है? स्विगी एप्लीकेशन में आ रही है, यानी कि स्विगी एप्लीकेशन को आपको क्या करना है? रिसेट करना है। जितना भी उसमें डेटा है उसको क्या करना है? आपको क्लियर करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रहा तो सर्च कर लेंगे स्विगी ऐप,
स्विगी ऐप, देखिए मैंने सर्च करा, ये मेरा ऐप आ गया स्विगी एप्लीकेशन। अब स्विगी एप्लीकेशन जब आ जाएगा तो भाई देखिए यहाँ आपको वो ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ देखिए नीचे आप ये देख रहे हैं ना स्टोरेज, इस पर आप क्लिक करें। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए क्लियर डेटा, बस इस पर आपको क्लिक कर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने का मतलब ये, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लियर डेटा या देखिए स्विगी एप्लीकेशन में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोफाइल, यानी कि जो भी डिटेल डाली हो, क्या हो जाएगी, सब इरेज हो जाएगी और स्विगी एप्लीकेशन बिल्कुल न्यू हो जाएगा, ऐसा जैसे कि आपने प्ले स्टोर से अभी आपने इंस्टॉल किया हो। एक ऑप्शन तो ये, या दूसरा ऑप्शन ये है कि उसी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करके दोबारा उसे इंस्टॉल कीजिए, उसमें दोबारा से डिटेल डालिए, या फिर दूसरा एक फिर अदर ऑप्शन यही है जैसे कि मैंने बताया, एप्लीकेशन की सेटिंग में जाइए, ऐप समझ जाइए और ऐप समझ आने के बाद स्टोरेज में जाइए और यहाँ आने के बाद आप क्लियर डेटा कर लीजिए और ऑल जितनी भी डिटेल्स वगैरह है उसको आप क्या कर देंगे भाइयों, दोबारा से अपलोड करेंगे जैसे कि आपने स्टार्टिंग में करा होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, सेल्फी सब अपलोड करेंगे प्रॉपर तरीके से। और जब आप अपलोड करेंगे तो उम्मीद हो सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, कि लास्ट में अगर कन्फर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा था तो कन्फर्म का ऑप्शन आपके एप्लीकेशन में शो होने लगे। ठीक है भाइयों, अब थर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको क्या मिलने वाला है, देखिए थर्ड प्रॉब्लम आपके सामने ये है कि आपने ऑल डिटेल्स डाल दी है लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो इसका देखिए फाइनल सॉल्यूशन यही है जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। सेम इसका भी यही प्रोसेस है कि आप अपने स्विगी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है, मैंने जो पहला एप्लीकेशन उस अनइंस्टॉल कर दिया, नए तरीके से इंस्टॉल करके ऑल डिटेल दोबारा से डालेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा करिए जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सेटिंग में जाइए, जो मैंने ए से जेड तक आपको राम खान बताई है उसको आप फॉलो कीजिएगा, हो सकता है उससे आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, या अगर नहीं होती तो देखिए उसका भी एक फिर एक रीजन क्या है, आपको चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो उसमें एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने जैसे कि इस प्रॉब्लम में साफ साफ ये आ रहा है कि वेरिफिकेशन फेल हो रहा है, किसकी वजह से, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि सिंपल सीधा सिद्धांत ये है कि अगर आपकी कोई डिटेल्स पेंडिंग में आ रही है तो जैसे कि बैंक की डिटेल पेंडिंग में है तो उसके लिए तो आपको वही काम करना जो मैंने आपको बताया कि ऑल डिटेल आपको स्विगी एप्लीकेशन की क्लियर कर दें और दोबारा से डाल दें। इस प्रॉब्लम में आपको ध्यान से क्या करना है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेल हो रहा है, वेरिफिकेशन फेल हो रहा है, चाहे वो आधार कार्ड का हो या पैन कार्ड का हो या एक्स वाई जेड कोई सा हो या सेल्फी हो, तो उस केसेस में रीजन ये है कि आपने जो पिक्चर अपलोड करी है वो क्लियर नहीं है प्रॉपर क्लियर तरीके से अपलोड करना, उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए नाइट में फ्लैश मोबाइल फ्लैश के साथ कभी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना है, हमेशा डे में करना है, डे में कब, शेडो में, जैसे कि आपको मालूम है कि बाहर धूप होती है और अंदर कमरे के अंदर क्या आती है, रोशनी आती है, रिफ्लेक्शन आता है, तो उस रिफ्लेक्शन में आपको फोटो लेनी है और वो भी अच्छे कैमरे से। अगर आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है, आपके फैमिली मेंबर में या किसी दोस्त के पास अच्छा फोन है, अच्छा कैमरे का फोन है, तो उसके फोन में अपना सिम डाल के आईडी आप बना सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट करिए कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अपना नंबर डालिए, उसमें ओटीपी आएगा, जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो मांगता है तो वो अपलोड कर दीजिए, जब वहां से डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड हो जाएंगे तो आप उस एप्लीकेशन को उसकी ऐड मतलब उसके फोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल मार दीजिए और फिर अपने फोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, जो नंबर आपने डाला था उसके एप्लीकेशन में, यानी कि उसके फोन में वही नंबर आप अपने फोन में डालिएगा, ओटीपी आएगा, तो जो आईडी उसके फोन में आपने क्रिएट करी थी दोस्त या एक्स वाई जेड किसी भी पर्सन के फोन में, तो वही आईडी सेम टू सेम आपके फोन में भी ओपन हो जाएगी और इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए भाई इससे रिगार्डिंग जो भी मैंने जो मेन मेन सॉल्यूशन था वो मैंने आपको दे दिया, लेकिन अगर आपकी अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, भाई आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा 24 आवर्स कुवैत से मौजूद है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।